कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान पति की विजय के लिए करोड़पति पत्नी का ऐसा ही रूप सामने आया है। जब पत्नी कभी कड़कड़ाती धूप में गेहूं काटती नजर आती है, तो कभी होली में रंगों के साथ, कहीं गांव की टोलियों के साथ नाचते हुए, तो कहीं बुजुर्गों के साथ मंजीरा बजाते हुए और भजन गाते हुए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और प्रत्याशी नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ की। एक ओर जहां भाजपा पूरी ताकत लगाकर लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर कमल खिलाने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की साख और अपना गढ़ बचाने के लिए कमलनाथ भी जीत तोड़ प्रयास में जुटे हुए हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ के इस चुनावी रण में परिवार की बहू प्रिया नाथ भी कमर कसके मैदान में उतर गई हैं। कहते हैं जनता की अदालत से बड़ा कोई नहीं। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी और उनके परिवार अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। ऐसे में नकुलनाथ की करोड़पति पत्नी भी इन दिनों एसी की हवा और आलिशान बंगले को छोड़कर आम जनता के बीच पति की जीत के लिए वोट मांगने पहुंच रही हैं। कहते हैं वो स्त्री है और कुछ भी कर सकती है, यही हिम्मत प्रिया नाथ भी जनता के बीच पहुंचने पर दिखा रही हैं। आत्मविश्वास से लबरेज प्रिया नाथ चुनाव से पहले अपनों के धोखे से व्यथित हैं। चौराई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका यह दुख छलक कर सामने भी आ गया, जब उन्होंने कहा कि मैं जब पिता कमलनाथ को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। जिन्हें हमने अपना समझा, अपने परिवार की तरह प्यार दिया, वे ही अग्नि परीक्षा का समय आने पर धोखा देकर चले गए। उन्होंने कहा कि नेताओं के पार्टी छोड़ने से दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें अपना माना था, लेकिन हम एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ थे, साथ हैं, और वो शक्ति पैदा नहीं हुई जो 44 दिन में यह रिश्ता खत्म कर दे। हम में से कोई भी कभी हिम्मत नहीं हारेगा। मैं बिल्कुल भी डरी नहीं हूँ। हम में से कोई हिम्मत कभी नहीं हारेगा। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मुझे बोला जाता है, मेरे सारे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं, मेरी बहनें बोलती हैं, मेरे भाई बोलते हैं, दीदी आप बिल्कुल मत डरना। और मैं बोलती हूँ मेरी शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा की का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ थे, साथ हैं, और वो शक्ति नहीं पैदा हुई जो 44 दिन में ये रिश्ता खत्म कर दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।